30-3-0. देखना है नॉस्टैल्जिया हिट कर गया ऋषभ को अपनी एक्स को देखने के बाद मेरे लैपटॉप में उनको बहुत ही छुपा लिया, अभी उन्होंने लैपटॉप हमसे छुपा लिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपने मेरे को सुबह कहीं गलती से भी देख लिया है, ठीक है, 5 या 6 बजे, तो 90% चांसेस यही हैं कि मैं रात में नहीं सोया हूँ, ठीक है। सुबह नहीं उठा हूँ भाई इतने बजे, रात भर ही नहीं सोया हूँ बस, ठीक है। बस भाई सुबह नहीं उठा जाता यार, अभी भी जो है एडिटिंग कर रहा था, वीडियो जस्ट अपलोड किया है, रात पूरी रात लग गई उसमें। इतनी कभी पढ़ाई नहीं की होगी मैंने डेडिकेशन के साथ, अगर वो कर लेता थोड़ा अच्छा कॉलेज मिल जाता तो यहाँ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। जैसा भी अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट करने और फिर उसके बाद मे भी हो सकता हम सोएं। वैसे नींद नहीं आ रही क्योंकि भरपूर सोया है कल भाई दिन में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने कहा भाई रात में उठ रहा हूँ मैं सीधे, भाई ज़रा सी प्लेट रहती है यार कुछ बनता है, इसलिए इतना भर के लाया भाई कि मैं सोचना कि ऐसे खा रहा हूँ जानवरों के टाइप। Later that same evening. फाउंडेशन डे की एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम लोग भाई, नितिन सर के पास भाई भरमार पड़ा 3 घंटे की मूवी बन सकती है भाई। 3 घंटे भी शायद कम पड़ जाए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डीएनएलयू की जो यादें हैं वो डॉक्यूमेंट्री में तो आ नहीं सकती। सही बात है, की जो यादें हैं उसके लिए चाहिए हमको 4-5 सीजन, भले ही कितना गाली दे लेकिन है अपना। हाँ सर, वेब सीरीज बन सकती है, बात तो सही है। ये देखो भाई फर्स्ट ईयर में कैसा था कॉलेज, बाकी डॉक्यूमेंट्री में और अच्छे से देखेगा, बाकी पर्सनल फोटो। सर का बर्थडे बना रहे हैं क्लास में, केक के पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर करके। सर क्या क्या अपलोड किया? अपलोड हो गया भाई, 19 किए हुए क्योंकि हम डीएनएलयू के फाउंडेशन डे के लिए पोस्ट ढूंढ रहे थे, वीडियोस ढूंढ रहे थे और कुछ ऐसा दिख चुका है कि अब याद में ही दुनिया कायम। गमगीर है ये चीज है, प्यार प्यार हमेशा जिंदा रहता है, प्यार हमेशा जिंदा, प्यार नहीं मरता कभी, याद कभी नहीं। अच्छी थी अच्छी थी यार फोटो, फोटो अच्छी थी, अच्छा फोटो, फोटो तो मैं डिलीट कर दूंगा लेकिन दिल से कैसे निकलेगा। सही बात है सर, इसलिए मैं फोटो भी साइज का रखा हूँ। भाई मस्त सो रहा था मैं तो, पता चला आज फाउंडेशन डे है, मतलब ये तो पहले से पता था बट एक डॉक्यूमेंट्री बनाना भाई ये मेरे को नहीं पता था। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा कि 5th ईयर के अनूप सर, उन्होंने मैसेज डाला हुआ है कि माधव सोनी को सारी वीडियोस भेज दो जो भी मेमोरीज हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है वो। भाई मैंने कहा मैं कहाँ बना रहा हूँ, जो भी है सभी अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और सो रहा था भाई मैं, उठा के नितिन सर ने बुलाया, भाई नितिन सर के पास इतना भरा कॉन्टेंट पड़ा है ना भाई, 1st ईयर से लेके पूरे 5 साल तक का भाई, इतनी सारी मेमोरीज है ना यार उनकी, तो वो डाल देंगे भाई। भाई नहा के फ्रेश हो गए एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है अब थोड़ा सा। बाकी मेरे रूम की हालत देख लो भाई, ऐसा मतलब लग रहा है ना ज़्यादा पता नहीं कहाँ रह रहा हूँ मैं भाई। सीरियसली मेरे को लग रहा है भाई अब एक कवर्ड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कवर्ड भी ऑलमोस्ट भाई पूरी फुल है। नीचे वाला ये कंपार्टमेंट खाली, उसमें बैग रखा होता है। भाई अभी जा रहे हैं सफ़र करने और आज पता नहीं 5th या 6th डे है, 6th 7th आएगा ऐसे बता दूंगा मैं, याद नहीं मेरे को कौन सा डे है भाई, पता नहीं है अब डे तो जो भी है, इवेंट भी कुछ होने वाला है उसके बारे में पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। बाकी ये है भाई आज डॉक्यूमेंट्री बनाना है भाई कल, क्योंकि आज फाउंडेशन डे था तो आज हॉलीडे था इसलिए कल सेलिब्रेट करने वाले हम लोग। भाई डॉक्यूमेंट्री जो लास्ट वाली देखी थी प्रोटेस्ट वाली, भाई 3 दिन लगे थे उसको बनाने में, सो एकदम से सडनली बनाने का बोल दिया मेरे से, टाइम तो लगेगा, बनाते हैं जैसी भी बनती फिर ट्राई तो करते हैं। अबे खत्म ही हो गया भाई, इस सीरियल की अलग ही फैन बोलेंगे भाई, आज भी देखने लगते हैं भाई इसको हम बैठ के, कितने ध्यान से देख रहे भाई सारे। भाई सफर करने के बाद हम एक इंटरव्यू देने गए थे, सो इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आके रूम में बैठ गया था भाई, एडिटिंग कर रहा था। आज का प्लान ये है कि इवेंट होने वाला हौजी और काफ़ी मज़ा आया था भाई, लास्ट व्लॉग में भी जब हौजी हुई थी और आज भी है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। उसके अलावा शायद एक डांस परफॉर्मेंस और है, तो चलते हैं जल्दी से नीचे क्योंकि मस्त मज़े आने वाले भाई आज भी, और 3-4 दिन में सब खत्म होने वाला है यार, कल से क्लासेस भी स्टार्ट होंगी तो थोड़ा तो बुरा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। भाई आज भी ले लिए रुपए सर ने टिकट, सबको बांट रहा है 50-50% का। भाई बस स्टार्ट होने ही वाला है गेम, टिकट वगैरह ले रहे हैं सारे लोग।
हाँ सर टिकट दिखा रहे हो, मैंने कहा कुछ बोलने वाले हो। इस बार फिर मैंने पिछली बार की तरह दो टिकट ले लिए हैं, किस्मत पे पूरा भरोसा कि इस बार भी नहीं जीतेंगे, पर सोच रहा है इस बार जीत जाएं। आशा है हमें, बस होप मस्ट नेवर डाई। स्पॉन्सर भाई टिकट के भाव में अपने विनिंग अमाउंट 50% वहां जाएगा। मैं सोच रहा हूं रजिस्ट्रेशन क्लोज हो तो ब्लैक में बेचूं इसको जल्दी से, बीच की घड़ी थी। बिजनेस टाइप उन लोगों से तो मिला ही नहीं रहा, छोड़ो मेरे को नहीं मिलना। द नेक्स्ट नंबर इज 77 आया नहीं आया, चल जाना जरूर है भाई यहाँ से। गणपति बप्पा नेक्स्ट नंबर इज 47 कटने से भी। अबे तीनों के में भाई तीन बार चल रहा है ना, तो फिर भाई किस्मत सही काम नहीं कर रही भाई, आज नंबर नहीं कट रहे। पनौती लगी भाई, नजर लग गई लास्ट वाले गेम में। अरे हो जाएगा आ गया। प्लीज बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर इज 84 भी सर 84 है। अरे आ गया दोनों में जीत जाना है, आता है तो सर तीन चार लोगों का आता है अपनी टीम में। नेक्स्ट नंबर इज 78 टिकट ही बताओ आज। अरे बन रहा है सिंगल नंबर 6 नहीं है भाई। गणपति बप्पा बोरिया, गणपति बप्पा बोरिया, मंगल बोरिया। 33-0 भाई बहुत ही घटिया किस्मत थी आज, कसम से बोल रहा हूँ भाई। वैसे ही नींद आ रही थी ऑलरेडी और ऊपर से भाई जीते और कुछ नहीं, जबरदस्ती बैठा था वहाँ पे। मैंने कहा यार मजा आएगा हाउसी में, क्योंकि लास्ट व्लॉग में काफ़ी मजे आए थे, तो क्या बताएं भाई नींद आ रही है। एक तो कल क्लास भी है और नींद भी आ रही, तो सोच रहा हूँ कि सो भी जाता हूँ, अदरवाइज सुबह की क्लास मिस हो जाएगी। नहीं तो भाई फाइनली रूम थोड़ा साफ हो गया, बस बेड और सेट करना है। उसके अलावा भाई ये जुगाड़ की हुई है थोड़ी सी, हमने खुद ने किया है, क्योंकि भाई सामान रखने को जगह होती नहीं थी, पूरा टेबल पे पड़ा होता था और बेड पड़ा होता था। देखो ये ड्रायर, ये प्रेस पड़ा है, ऐसे सामान पड़े होते थे भाई। आधे बेड पे सामान रहता था, आधे बेड पे मैं सोता था, और आधे पे तो ये पड़े रहते थे सब कुछ। तो भाई पूरा सेट किया पूरा रूम भाई। सबसे बेस्ट चीज़ लग रही है मेरे को आज ये लग रही है, जुगाड़ू है ये, पता नहीं कवर्ड का कुछ पड़ा था पटिया टाइप का, उससे मैंने ये बना दिया। बाकी भाई एक कवर्ड लेना पड़ेगा तब मैं श्योर हूँ। बाकी बेडिंग वेडिंग भी सेट कर दी मस्त, और सो रहे हैं भाई बस। अब कवर्ड और सेट करनी भाई वो बाद में करेंगे, क्योंकि कल क्लास है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। हालत कैसी हो रही भाई, पसीना पसीना हो गया। चलो भाई बाय।